और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्र आज सेना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। देश भर के 600 जिलों में ये शुरू किया जा रहा है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.52% हो गई है। अब तक 1,01,46,000 से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। रेल मंत्रालय ने समाचार माध्यमों के एक वर्ग की ओर से जारी उन खबरों का खंडन किया है कि रेलवे द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है। बेगूसराय में अपराधियों ने दूध समिति के सचिव की हत्या कर दी। परिजनों ने आपसी विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस छानबीन कर रही है। पश्चिम चंपारण जिले में बगहा के शास्त्री नगर वार्ड में गैस सिलेंडर फटने के कारण घर में लगी आग से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। जमुई पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष सर्च अभियान में एक नक्सली प्रकाश राणा को बरहट लक्ष्मीपुर जंगल से गिरफ्तार किया। उसके पास से आग्नेयास्त्र भी बरामद किए गए। कटिहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापामारी के दौरान 2000 लीटर देशी शराब जब्त। पुलिस ने शराब भट्टियों को भी किया ध्वस्त। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब से लदे वाहन को जब्त कर लिया है।